हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, एक व्यूअर ने पूछा है कि दैट्स व्हेन का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, दैट्स व्हेन का इस्तेमाल। ओके, अब मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस चैनल पे तो मैं हिंदी बोल ही सकता हूं, इसमें तो मैं हिंदी टू इंग्लिश कराता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश समझाता हूँ, दूसरे चैनल पर इंग्लिश टू इंग्लिश है। एनीवेज, तो दैट्स व्हेन का हम इस्तेमाल कहां पर करेंगे? गाइस देखिए, मैं आपको सिचुएशनल समझा सकता हूँ, अंग्रेजों की तरह सोचिए, बिल्कुल हिंदी पर ना जाए। अभी 8 बज रहा है, इट इज 8 o'clock। ओके, 8 बजे का समय है, शाम के 8 बजे का समय। और अगर मैं दैट्स व्हेन यहाँ पर लगाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे बोलूंगा, व्हेन का मतलब है टाइम, तो मैं बोलूंगा ओ इट्स 8 o'clock एंड दैट्स व्हेन आई हैव माय डिनर, इट्स 8 o'clock एंड दैट्स व्हेन आई हैव माय डिनर। तो आप हिंदी में जो भी समझे, दैट्स व्हेन आई हैव माय डिनर मीन्स व्हाट, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ उस टाइम पर। दैट्स व्हेन का मतलब होता है कि आप एक समय पर एम्फेसाइज करते हैं, एक समय पर, यानी कि यार 10 बज रहे हैं एंड दैट्स व्हेन आई गो टू बेड, दैट्स व्हेन आई गो टू बेड, यानी कि 10 बजे का समय है, अब यही वो समय है जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ सोने के लिए। तो मैं 10 बजे को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, उस पर जोर दे रहा हूँ। तो कभी भी आपको उस वक्त पर, जरूरी नहीं कि वो टाइम घड़ी वाला वक्त ही वो 10 बजे 5 बजे, वो सिचुएशनल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ गाइस, मान लीजिए मैं बोलूँ कि दो महीने पहले मैं किसी रिलेटिव के बर्थडे पार्टी में गया। ओके, वहां पर सबका हिडन टैलेंट देखा जा रहा था कि कौन नाच सकता है, कौन गा सकता है, कौन अच्छा एक्ट कर सकता है। मुझे भी बोला गया, तो मैंने वहां पर एक एक्टिंग का पीस प्रस्तुत किया, मैंने थोड़ा सा एक्ट करके दिखाया। अब मैंने इतना बोला, एक कहानी सुनाई, अब मैं आपको कहानी सुनाते हुए बोल रहा हूं कि मैंने वहां पर एक्ट किया एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर। अब मैंने दैट्स व्हेन क्यों बोला, क्या को मैं 10 बजे 8 बजे का वक्त बोला? नहीं, मैंने पूरा एक सिचुएशन आपको दिखाया कि वही वो समय था। अगर हिंदी में सोचना है तो ऐसे सोचिए कि वही समय था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम एन एक्टर, यू नो। अगर और भी एग्जांपल्स मैं आपको दूं, मैं बोलूं कि यार एक बार मैं अपने रिलेटिव की कार में बैठा, ओके, और मैंने देखा कि वो कार को बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहा था और मैं नहीं चला पा रहा था, तो उसने मेरा मजाक सा उड़ाया कि तुझे तो कार चलाना भी नहीं आता। दैट्स व्हेन I determined that I have to learn car driving. So that's when, वही वो वक्त था, उसी वक्त मैंने ये तय कर लिया, मैंने सोच लिया कि मुझे कार ड्राइविंग को सीखना है। That's when. तो इसके अंदर क्या आया? सिचुएशन आया, वो समय वाला सिचुएशन आया, यू नो, समय वाला सिचुएशन। ये नहीं कि 8 o'clock 9 o'clock, वो भी आ सकता है कि भाई 8 बज रहे और that's when I eat my food, I have my dinner. तो किसी भी सिचुएशन को, उस वक्त को आपको अंडरलाइन करना है, यू नो, अंडरलाइन करना है, इसको फोकस करना है। आप बोलेंगे दैट्स व्हेन, यू नो, किसी ने बोला अगर ये घड़ी वाला टाइम दिखाना है कि यू नो 11 बजे और दैट्स व्हेन दैट गर्ल कम्स बैक टू हर होम, कोई बातें चल रही, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड चल रहा होगा दोस्तों। आप खाली इकलौता दैट्स व्हेन दैट्स व्हाई ये सब नहीं बोलते, कोई ना कोई बैकग्राउंड चल रहा होता है, कुछ बातें चल रही होती है। किसी ने बोला कि भाई साहब 11 बजे 12 बजे कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं दैट्स व्हेन, जैसे 11 बजे बोला, दैट्स व्हेन That girl comes back to her home, okay? किसी ने बोला कि यार एक बंदा दरवाजा नॉक कर रहा था, okay? और जो उस घर के अंदर था उसने दरवाजा नहीं खोला, okay? तो उस बंदे ने मकान मालिक को बुलाया, फिर मकान मालिक ने आवाज लगाई एंड दैट्स व्हेन द टेनेंट ओपन द डोर, दैट्स व्हेन, यानी कि वही वो समय था जब टेनेंट ने, किराएदार ने दरवाजा खोल दिया। तो आई थिंक इतना काफी होगा, एग्जांपल्स आप समझ गए होंगे कि दैट्स व्हेन का इस्तेमाल हम कब करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज 8 o'clock एंड दैट्स व्हेन आई हैव माय डिनर। फाइन गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू गाइस।